The sexy, the sultry, the gorgeous, or the ladki next door image wali actresses of the 70s, 80s, 90s. Yaad hain ye chehre? Par ab sochte hain, where did they go? Agar janna chahte ho, to like karo is video ko on the Lost Divas and their Diva-angi. Aaj ke episode on the Lost Divas and their Diva-angi mein, we are featuring Aashiqui fame girl, Anu Aggarwal. Anu Aggarwal doesn't need any introduction. आज भी लोग उन्हें आशिकी गर्ल के नाम से जानते हैं। अनु ने आशिकी में अपनी मासूमियत और एक्टिंग के दम पर नाम कमाया और रातों रात स्टार बन गई। और उस वक्त उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उन्होंने हॉलीवुड में भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। अनु अग्रवाल की कामयाबी का सफर शुरू ही हुआ था कि अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। 1999 में एक एक्सीडेंट की वजह से अनु को काफी चोटें आईं, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। जब एक महीने बाद वो कोमा से बाहर आई तो सब कुछ बदल चुका था। चेहरे पर चोट के निशान और उस हादसे ने अनु को अंदर तक तोड़ दिया, जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर रुक गया। हालांकि इस एक्सीडेंट ने अनु की जिंदगी बदल दी, लेकिन उनके हौसले को नहीं। अनु ने जिंदगी में वापस लौटने के लिए योगा का सहारा लिया और अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्लम के बच्चों को योगा सिखाना शुरू कर दिया। आज अनु अग्रवाल का अपना इंस्टीट्यूशन है, जहां वो लोगों को योगा सिखाती है और लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने साउथ की फिल्मों से अपना करियर शुरू किया, लेकिन उन्हें शोहरत और कामयाबी बॉलीवुड में आकर मिली। द लॉस्ट डिवास एंड द दीवानगी के अपकमिंग एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल रेडियो नशा ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक।